करनाल में घने कोहरे के चलते कई जगह पर भीषण सड़क हादसे हुए हैं। बता दें कि सुबह सुबह घने कोहरे के चलते तकरीबन डेढ़ दर्जन गाड़ियां आपस में टकराती हुई नजर आई, जिससे कि कई घंटे तक ट्रैफिक भी बाधित रही। और ऐसे में हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट देखिए। मौसम के मिजाज अब एक बार फिर बदलने लगे हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह से लोगों को घने कोहरे और धुंध का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद अब इसका असर मैदानी इलाकों में दिखने लगेगा। क्योंकि अभी तक जो न्यूनतम तापमान था वो 5 से 8 डिग्री तक चल रहा था, इसमें अब और गिरावट आनी शुरू होगी। जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हुई उसके बाद मैदानी इलाकों में जो है वो कोल्ड, जो शीत लहर है, उसका असर देखने को मिलेगा और ये पूरी तरह से खुश्क होगी, क्योंकि ये ड्राई कोल्ड होगा, बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में घने कोहरे का सामना अभी लोगों को करना पड़ेगा और इसका सीधा असर सामान्य जनजीवन पर पड़ेगा। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना जरूर होगा, क्योंकि विजिबिलिटी है वो काफी कम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। विजिबिलिटी की बात की जाए तो करीब करीब 50 मीटर की ये विजिबिलिटी है, और ऐसे में लोगों को अब करीब 9 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी अपने वाहनों की जो लाइटें हैं वो जलाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के चलते इसका असर सामान्य जनजीवन पर पड़ा है। और यही स्थिति जो है आगामी एक हफ्ते तक रह सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह की जानकारी दी है उसके अनुसार अभी बारिश की संभावना नहीं है, तो लोगों को अभी शीतलहर और धुंध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कई गाइडलाइन भी जो है इस तरह से प्रशासन और कृषि विभाग की तरफ से जारी की गई है कि धुंध से बचाव के लिए सड़कों पर पीली व सफेद पट्टी लगाई जाए, ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। साथ साथ कृषि विभाग की तरफ से किसानों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है कि वो अपनी फसलों को ठंड की मार और पाले के प्रकोप से बचाने के लिए प्रबंध करें, ताकि जिस सर्दी का असर जो है वो उन पर फसलों पर कम से कम हो और उसके उत्पादन पर कोई असर ना पड़े। इस तरह की गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि धुंध के चलते जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उसका असर सामान्य जनजीवन पर आने वाले दिनों में पड़ेगा, क्योंकि बारिश की संभावना। चलिए तो खबरों में